हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं दिखाती हूँ कि आज मैं बनाऊंगी पकोड़े व्रत के लिए, जो व्रत में खाते हैं। तो ये एक कप मैंने मूंगफली ली है, इन्हें मैं कर लेती हूँ इसमें फ्राई हल्की सी, मतलब जो कि भून लेती हूँ इन्हें हल्की हल्की सी। और इधर मैंने बना दिए साबूदाने की खीर, और अभी मैं दिखाती हूँ कि मुझे उसमें क्या क्या डालना है। ये लिए मैंने भून, और भून के ये मैंने इनका छिलका उतार लिया है। अब मैं इनको लेती हूँ मैं पीस, और पीसने के बाद में मैं हल्की सी ये दिखाती हूँ कि भाई मुझे पीसने के बाद में कैसी लगेंगी। ये डाल ली मैंने जाल में, और जाल में बस निकाली, इनको ही पीसूंगी मैं। और पीसने पे दिखाती हूँ मैं इनका कैसे वो करना है मुझे। अब ये लिए हैं मैंने पीस ऐसे, और अभी मैं कर लेती हूँ रात में, एक कप में काफी बन जाएंगी। थोड़ा सा साबूदाना, जो कि मैंने 5-6 घंटे पहले भिगो लिया था, ये रहा साबूदाना। और ये 5-6 उबले हुए आलू, और इधर मेरी खीर भी बन चुकी है, बिल्कुल रेडी है, तैयार। और इधर मैं अपना ये सामान दिखा देती हूँ मुझे क्या क्या डालना है। ये साबूदाना होगा, ये मूंगफली का वो पिसा हुआ होगा, ये पनीर होगा, ये 6 आलू होंगे, और इसमें से डाल लूंगी मैं हरी मिर्च, जो कि मैंने पहले ही पीस के रख ली थी। और इसमें डालती हूँ मैं नमक, और आधा नींबू निचोड़ लेती हूँ ताकि ये थोड़े से खट्टे से लगे। ये आलू, और मैंने ये उसका आटा वो कर रखा है। अब ये पनीर, और तीखा बनाने के लिए थोड़ी सी इसमें मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ। काटने से सारी उंगलियों में चीज लगती है, तो इसलिए मैंने ये पहले पीस के रख ली थी। और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ नमक अपने अनुसार, जितना आप खाओगे उसी अनुसार से डालना है, और बहुत थोड़ा सा नींबू, हल्का सा बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये पहले ही कर लिया है, बहुत ना के बराबर आधा नींबू मैंने इसमें निचोड़ लिया है। और मैं इनको बनाती हूँ और दिखाती हूँ। अभी रख दी है कढ़ाई, और अब मैं इसके बनाती हूँ पकोड़े। पकोड़े चालू। ये मैंने थोड़ा सा सिंगाड़े का आटा ले लिया था, और इसमें करके, और इसमें डालने हैं ये ऐसे कर करके। इस तरह से लेके ऐसे करके इसे फ्राई कर लो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। ये देखो जी, बनने के बाद में ये कैसे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, और खाने में ना भाई भाई ऐसे हो रहे हैं जैसे उसके बनाए हो चीज के। और ये देखो, मैं माता रानी के लिए जा रही हूँ प्रसाद उनको खिलाने के लिए, भोग लगाने। और खाने में तो ये इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं कि एक बार आप बना कर देखो और खा कर देखो, तब बताना है कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। इधर हमारे गणेश जी महाराज हैं, ये हमारे गणेश जी महाराज लगाओ भोग।